नहीं मैंने कुछ सोचा समझा तो है नहीं, अपना व्हाट्सएप डिलीट करने के मन में आई व्हाट्सएप डिलीट कर दी, लेकिन उसमें जो पर्सनल मैसेज थे वो तो डिलीट हो चुके हैं। अब उनको मतलब जो रिकवर करना है, कहने का मतलब रिकवर कैसे करूँ, ये सोच सोच के दिमाग खराब होना कि रिकवर करे तो करे कैसे, करे तो करे कैसे। तो सिंपल काम है, आपको क्या करना है पता है, अपना जो व्हाट्सएप को मैसेज है वो रिकवर करना है। तो सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप जाना है, अपने व्हाट्सएप उसी नंबर से लॉग इन करके अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। वहाँ पर आपको सेटिंग में जाने के बाद चैट का ऑप्शन मिलता है, उसमें जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको चैट बैकअप का ऑप्शन आता है, तो आपको वहाँ पर चेक कर देना, आराम से दिख जाएगा उसमें कब आपका लास्ट बैकअप हुआ था। अगर वो बैकअप आपका डिलीट होने से कुछ दिन पहले का था, कुछ दिन पहले का यानी कि 2-3 दिन पहले का था, तो आप क्या कर सकते हो, उस जो सारी चैट आपकी डिलीट हो चुकी है उसको बैकअप कर सकते हो, या फिर आपके जो भी जब कभी बैकअप होगा उसको सार भले वो कितने दिन पुराना बैकअप हो, उसका सारे डाटा जो भी आपके मैसेज हैं ग्रुप वगैरह सब कुछ आपका वापस रिकवर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो मैंने बताया अभी कि आपको चैट बैकअप चेक करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है, अगर आपको चैट का बैकअप है तो जो बैकअप नहीं है उसके लिए बाद में बताऊंगा, बट अगर अभी है तो आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है। व्हाट्सएप डिलीट करोगे इंस्टॉल करोगे काफी टाइम लगेगा, सिंपली अपने व्हाट्सएप को क्लियर डाटा कर देना है। सेटिंग पर जाकर आपको ऐप मैनेजर का मिल जाएगा ऑप्शन, वहां पर आपको व्हाट्सएप ढूंढ लेना है, वहां पर आपको क्लियर डाटा कर देना है। ऐप में जाकर उसकी अवार्ड में जो होता है व्हाट्सएप के अवार्ड में जाकर उसका क्लियर डाटा कर देना है, आपका व्हाट्सएप बिल्कुल न्यू हो जाएगा। उसी नंबर से आप वापस लॉग इन करोगे, तो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा आपके नाम वाम सब कंप्लीट होने के बाद आपको एक रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है, बैकअप एंड रिस्टोर, तो आपको रिस्टोर पर क्लिक कर देना है और जो भी आपका डाटा होगा वो रिस्टोर होने लगेगा, एंड जो भी आपके मैसेज जो बैकअप में थे वो सब के सब आपके वापस आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हमने बैकअप नहीं ले रखा है तो क्या करें, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो मैसेज डिलीट हो गए उन्हें भूल जाना है, भूल जाना है, कहने का मतलब यही है। क्योंकि जो बैकअप देखो, अगर आपका जो मैसेज ये सोच रहे हो कि आपका जो मैसेज डिलीट कर दिए आपने तो उनको वापस रिकवर कर सको, तो ऐसा तो मुश्किल ही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप होता है वो प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, अगर उसकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी इस तरीके से, अगर वो आपके मैसेज को कहीं और छुपा के रखेगा तो इस हिसाब से तो उसकी प्राइवेसी लीक हो रही है, तो वो क्या करता है, जो मैसेज आपने डिलीट कर दिए वो सारे डिलीट हो जाते हैं। उसके लिए सिंपल एक काम है, बैकअप वाला ऑप्शन, अगर आपने अभी बैकअप वाला ऑप्शन ऑन नहीं कर रखा है तो अभी जाके उसको बैकअप वाले ऑप्शन को ऑन करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बैकअप वाले बटन पर क्लिक करना है, एंड नीचे आपको गूगल ड्राइव ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको एक ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। तो उस ईमेल आईडी में क्या होगा कि जो भी आपको बैकअप जो गूगल ड्राइव होगा तो जो भी आपका बैकअप होगा वो उस ईमेल आईडी में सेव होता रहेगा, और जब भी आपको मतलब इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, डेली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, या फिर वीकली करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको डाटा बैकअप करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जब भी चाहो उसको बैकअप ले सकते हो। यानी कि अगर आप व्हाट्सएप अगर डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा, आपके सारे मैसेज ऑटोमेटिकली आ जाया करेंगे। तो सिंपली मेरा मानो तो आपको ये हमेशा ऑन रखना चाहिए, जो कि आपके अगर ये ऑन नहीं था तो आपकी जो चैट थी वो तो डिलीट हो गई, वो मैसेज नहीं आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड एक और जरूरी बात, हमारे इस चैनल का नाम पहले एके मास्टर पॉइंट था जो कि आई ट्रैक हो चुका है, तो अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।